वो डायना को खिलाने के लिए यहाँ पे तो आए हैं। हल्की हल्की बारिश भी हो रही है आज। मौसम क्या जबरदस्त है। क्यों ज्योति, ये देखिए बैंगलोर का मौसम तो एकदम मौसम हो गया, एकदम मोमो खाने वाला मौसम हो गया है। क्या करें। अच्छा, हेलो यूट्यूब, वेलकम बैक टू माय चैनल लोकी एंड डायना। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आज का जो मौसम इतना सुहावना हो रहा है। चलिए चल के बनाते हैं आज का जो वीडियो है वो है चिकन मोमो का। बनाते हैं गर्मा गर्म मोमो। चलिए आइए दोस्तों, दिखाता हूँ मैं आपको चिकन मोमो के इंग्रेडिएंट्स क्या क्या मैं यूज़ करने वाला हूँ। एक्चुअली ये जो इंग्रेडिएंट्स हैं दो पार्ट में होने वाले हैं। ये सारे जो इंग्रेडिएंट्स हैं चिकन मोमो के लिए हैं और ये इंग्रेडिएंट्स जो हैं चटनी के लिए। तो आइए दिखाता हूँ मैं। यहाँ पे मैंने लिया है करीब 250 ग्राम चिकन कीमा और ये मैंने लिया है कैबेज बंद गोभी जिसको अप्रॉक्सीमेटली 150 ग्राम लिया है और फाइनली चॉप कर लिया है इसको छोटे छोटे काट के। और ये मैंने स्प्रिंग अनियन के लीव्स लिए हैं, थोड़े से लिए हैं मैंने। ये थोड़ा टेक्सचर और कलर भी अच्छा देता है, क्रंची भी लगता है फिलिंग में। ये करीब मैंने 10 से 15 ग्राम फाइनली चॉप अदरक लिए हैं। ये मैंने लिया है हाफ टी स्पून लाल मिर्च और ये चुटकी भर मैंने जायफल पाउडर लिया है। ये करीब हाफ टी स्पून मैंने मीट मसाला लिया है और ये मैंने जो लिया है ये है काली मिर्च पाउडर करीब हाफ टी स्पून और नमक जो है स्वाद अनुसार। मैंने यहाँ पे थोड़े से बटर लिया है क्योंकि बटर जो रहेगा वो माउथफुल और फ्लेवरफुल और बना देगा मोमो को। और डो जो बनाएंगे हम आटा, उसके लिए हमने ये लिया है मैदा। और इसके बाद यहाँ पे आते हैं, ये चटनी का इंग्रेडिएंट है। यहाँ पे मैंने 4 टमाटर लिए हैं, 2 बड़े 2 छोटे। और ये जो है लाल मिर्च सूखी हुई करीब 10 से 12। ये मैंने 2 टेबलस्पून सोया सॉस लिया है। ये करीब 50 ग्राम छिले हुए लहसुन और ये स्लाइस किए हुए आधे बड़े कटे हुए प्याज। तो आइए दिखाते हैं कैसे इसका प्रोसेस होता है, कैसे चिकन मोमो बनाते हैं। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरे वीडियोस को लाइक करें और शेयर करें और कमेंट करते रहें। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें ये मोमो का फिलिंग बनाना है। ये चिकन मैंने ले लिया और ये सारे इंग्रेडिएंट्स जो थे मैं इसमें मिक्स कर दूंगा, मसाले भी। तो इसको अच्छी तरीके से मैंने मिक्स कर लिया है, फिलिंग तैयार है और मैं आटा का डो बना के फिर इसमें फिल करके हम उसको स्टीम पे करेंगे। तो दोस्तों, मेरा डो भी तैयार हो गया है और इस पर मैं, ये देखिए डो एकदम ऐसा सॉफ्ट होना चाहिए, ज़्यादा भी सॉफ्ट नहीं, ज़्यादा हार्ड भी नहीं। और ये देखिए इस पर मैं गीला कपड़ा करीब 10 से 15 मिनट के लिए मैं ढक के छोड़ दूंगा इसको और फिर उसके बाद हम इसको बेलेंगे और उसमें फिलिंग करना स्टार्ट कर देंगे। अब ये आटे को रखे हुए 15 से 20 मिनट हो चुका है, रेडी है। अब इसका हम लोग बनाते हैं रोटी, ठीक है। तो पहले हम प्लेटफॉर्म पे ऐसा आटा डाल देंगे क्योंकि मैदा जल्दी रोल नहीं होता है, तो इससे क्या होगा ना, इजी रहेगा रोल करने के लिए और चिपकेगा नहीं। चलिए, अभी बेल चुका है पतला, आप देख सकते हैं आपको फ्लोर दिख रहा होगा नीचे, हमें इतना पतला चाहिए। कटिंग के लिए आप कोई भी बोल या कुछ भी यूज कर सकते हैं, मैं कटोरी यूज कर रही हूँ। मैं ऐसे इसको कट कर देंगे। अब हमने इसमें से मैदा लगा लिया है, इसमें हम ऐसे निकाल के रख देंगे। तो
आइए दोस्तों आपको दिखाता हूँ मैं नेक्स्ट स्टेज जहाँ पे मैं फिलिंग करूँगा। ज्योति ने ये आटा को बेल लिया था और इतने छोटे छोटे साइज के उसने रोटी बना लिए थे। और अब स्पून में मैं चिकन लूँगा, उसको अच्छे से फिल कर देंगे। और घबराइए नहीं, ये बाहर निकलेगा नहीं क्योंकि ये मैदा है और स्ट्रेचेबल होता है क्योंकि ग्लूटेन छोड़ता है। ये इस तरीके से दो एंड जो है आप खींच के चिपका लें, और नहीं भी चिपक रहा है तो आप थोड़ा पानी भी यूज़ कर सकते हैं। और इस तरीके से ये दो एंड मिला दिया मैंने और इसको दबा के ऐसा शेप दे दिया, बहुत ही ब्यूटीफुल। ये देखिए कितना परफेक्ट, कैसा दिख रहा है। ये देखिए आप गोल वाला साइज का भी बना सकते हैं पर मुझे ये शेप बहुत पसंद है। चलिए एक और आपको दिखाता हूँ मैं। इस तरह लिया मैंने और इसमें चिकन भर दिया और दो एंड जो थे मैंने ऐसे दबा के, ये देखिए इसको दबा के चिपका दिया। और अब इस साइड के दो एंड मैं यूं दो उंगलियों से और एक अंगूठे से चिपका लूँगा और फिर ये ओपनिंग जो है मैं क्लोज कर दूँगा ऐसे, इधर भी। ये देखिए इतना आसान है। स्टार्टिंग में थोड़ा प्रॉब्लम होता है पर धीरे धीरे आप करेंगे तो प्रैक्टिस हो जाएगा। ये देखिए चलिए इसी तरह मैं सारे फिलिंग कर लेता हूँ, फिर उसके बाद स्टीम पे चढ़ाते वक्त मैं आपको दिखाता हूँ कैसा होता है। A few moments later. तो ये देखिए दोस्तों मोमो हो गया है मेरा रेडी, स्टीमर भी रेडी है, स्टीम आना शुरू हो गया है और अब चलते हैं मोमो को स्टीम करते हैं। तो मोमो को मैंने स्टीम पे रख दिया है और इसे मैं करीब 4 से 5 मिनट रखूँगा स्टीम पे। जी दोस्तों तो हम बनाते हैं अब चटनी। अब आप देख सकते हैं मैंने थोड़ा पानी यहाँ पे उबालने के रख दिया है और आप देख सकते हैं थोड़ा गर्म हो चुका है। जब ये गर्म होना चालू हो जाए तो उसके अंदर ये आप टमाटर डाल दीजिए और ये जो रेड चिली थी ये पूरा आप डाल दीजिए इसके अंदर और इसको डाल के कम से कम 10 मिनट तक बॉयल होने दीजिए। तब तक ही टमाटर है इसका स्किन जब निकलना चालू हो जाए तो आप समझ जाइए कि ये गर्म हो चुका है और हमें इसे आँच से बाहर निकाल देना है और ठंडे होने के लिए छोड़ देना है। तो उसको हम रख देंगे 10 मिनट के लिए बॉयल होने के लिए। तो आप देख सकते हैं कि टमाटर का स्किन पूरा निकल चुका है, अच्छे से बॉयल हो चुका है। तो अब हम इसको बंद कर देंगे और उसको तुरंत बाहर निकाल के टमाटर और लाल मिर्च को प्लेट में निकाल लेंगे इसको हम, और टमाटर का स्किन छील लेंगे। तो आप देख सकते हैं मैंने तेल रख दिया गरम करने के लिए, करीबन 2 चम्मच मैंने तेल लिया है 4 टमाटर के लिए चटनी के लिए। तो इसको गरम होने देते हैं और आप देख सकते हैं कि टमाटर का मैंने छिलका निकाल दिया है और इसको मैंने मैश नहीं किया है क्योंकि इसमें डालने के बाद अपने आप मैं चलाऊंगी तो मैश हो जाएगा, तो मैंने इसको एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं डाला मैश करने के लिए। पर आप चाहें तो इसको मैश कर सकते हैं पहले से। तो देखिए तेल गरम हो चुका है, अब मैं डाल देती हूँ इसके अंदर लहसुन बहुत पकाना नहीं है, हल्का सा गोल्डन ब्राउन करना है फिर। आप देख सकते हैं गोल्डन ब्राउन हो चुका है, अब हम इसमें प्याज डाल देंगे, चला लेंगे अच्छे से। हमें प्याज भी बहुत पकाना नहीं है, कुछ भी हल्का सा गोल्डन ब्राउन जैसे हमने गार्लिक किया है उतना ही करना है हमें, चलाते रहेंगे इसमें जले नहीं। और आप देख सकते हैं ये ऑलमोस्ट गोल्डन ब्राउन हो चुका है, अब हम इसमें डाल देंगे अपने टमाटर और रेड चिली। अब इसको तेज आंच पे
दो से तीन मिनट के लिए थोड़ा बॉईल होने देंगे। अब इस पर हम स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे। नमक थोड़ा कम ही रखेगा क्योंकि हमें इसमें सोया सॉस डालना है और उसमें भी थोड़ा नमक होता है। अब मैं क्या करने वाली हूँ, जो हमने पानी बॉईल किया था जिसके अंदर टमाटर और लाल मिर्च बॉईल किया था, वो हम पानी थोड़ा इसमें डाल देंगे तो उसमें तीखापन आ जाएगा और ग्रेवी और हमारी बढ़ जाएगी। अब जो हमने सोया सॉस निकाला था उसको भी इसमें डाल देंगे। अभी आपको लग रहा होगा कि ये तो मोमो का चटनी लग ही नहीं रहा है, क्योंकि ये पिसने के बाद इसका टेस्ट और कलर आएगा। इसको 5 मिनट करीब हम बॉईल कर लेंगे। अब ये करीब बॉईल हो चुका है, इसको 5 मिनट हो चुका है। अब हम इसको बंद कर देंगे और ठंडा करने के लिए इसको छोड़ देंगे। ठंडा होने के बाद हमें इसको जार में डाल करके सिर्फ पीस लेना है और बाकी कुछ भी नहीं करना है। आप टेस्ट के लिए इसको टेस्ट कर सकते हैं, अभी नमक वगैरह ठीक है कि नहीं, पर मैं टेस्ट नहीं करती हूँ, मेरा अंदाज़ा शायद ठीक ही होगा। मैं इसको बंद कर देती हूँ, साइड में रख देती हूँ। आप देख सकते हैं कि ये पूरा मिक्सचर ठंडा हो चुका है। अब मैं इसको तुरंत पीस लूँगी और हमारा चटनी हो जाएगा तैयार। अब ये हो गया है हमारा चटनी तैयार। अब मैं इसको डाल देती हूँ बोल के अंदर। वाह क्या कलर आया इसका, मैं दिखाती हूँ आपको। ये देखिए हमारा मोमो का चटनी। चलिए अब जल्दी से मोमो स्टीम कर लेते हैं और एक खाते हैं। क्या गर्मा गर्म मोमो रेडी हो गए हैं। 4 से 5 मिनट के बाद मैंने निकाल लिया था और ये तो जबरदस्त चटनी लग रहा है। देखते हैं, आइए खा के देखते हैं कैसा बना है। चलिए गर्मा गर्म चटनी के साथ ये चिकन मोमो देखने में जबरदस्त लग रहा है। नहीं खा के देखते हैं। ओहो लीजिए आप खाइए। इसको डुबोया मैं अच्छे से और वाह वाह चटनी मतलब हीरो है ये चटनी। मोमो तो है ही है तो चटनी ने कमाल कर दिया। आप देख क्या रहे हैं, जाइए बनाइए बिल्कुल और हमें कमेंट करके बताइएगा कैसा बना है। और ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ भाई सब्सक्राइब कर लीजिए मेरा चैनल और लाइक कर दीजिए, शेयर भी करते रहिए। अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद। थैंक यू।